पेंटिंग का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज करते हो ताकि आप अपने हिसाब से काम कर सको। तो फिर आज मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज करूंगा जिसे बहुत कम टाइम में फिनिश किया जा सके। दैट्स व्हाई प्लेन एयर पेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो इट्स ए न्यू एंड ब्राइट डे एंड अगेन आई एम गोइंग फॉर अ प्लेन एयर पेंटिंग। एंड ये जो प्लेस है आप लोग पहले ही घूम चुके हैं मेरे पुराने वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए। और आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, हम लोग डायरेक्टली काम पे आते हैं, पेंटिंग की बात करेंगे। सो मैं अभी जा रहा हूँ एक न्यू लोकेशन पे और वहाँ पे जाके फिर से कुछ एक नया लैंडस्केप पेंट करेंगे। तो चलते चलते रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत व्यू देखते हैं और जो भी पसंद आएगा आज के लिए वो फिनिश करेंगे। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पेंटिंग के लिए, तो फिर आज मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करूँगा जिसे बहुत कम टाइम में फिनिश किया जा सके। तो उसी के हिसाब से मैं अपना सब्जेक्ट आज चूज़ करूँगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और ये काफ़ी ब्राइट धूप निकला हुआ है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, उतना गर्मी नहीं है, तो फिर पेंटिंग तो हो ही जाएगा और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया जाए। तो चलते हैं डायरेक्ट लोकेशन पर और वहाँ जाके फिर मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल चुका है आज के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये व्यू है, आज मैं इसी पूरे व्यू को कैप्चर करूंगा। मैं आपको रियर कैमरा से इसे अच्छे से दिखाता हूँ। मैं आपको पहले रियर कैमरा से दिखाता हूँ लोकेशन अच्छे से और उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इस सब्जेक्ट को ही क्यों चूज़ किया आज के काम के लिए। और यह भी प्लेन एयर पेंटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज़ करते हो ताकि आप अपने हिसाब से काम कर सको। तो ये है हमारा सब्जेक्ट आज का, मैं इसे पोर्ट्रेट व्यू में कैप्चर करूंगा। तो ये था मेरा सब्जेक्ट और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से इस सब्जेक्ट को पेंट करने वाला हूँ। तो ठीक मेरे सब्जेक्ट के सामने ही ये स्पॉट है जहाँ से मैं इसे पेंट करने वाला हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है लेकिन धूप काफ़ी स्ट्रांग है, तो धूप में भी काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारा काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पहली चीज़ ये थी कि मुझे इस पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करना है। तो फिर ये जो सब्जेक्ट है इसे बहुत ही सिंपल तरीके से फिनिश किया जा सकता है और उसके बाद भी ये काफ़ी सुंदर लगेगा। तो फिर ये एक पहला रीज़न था इस सब्जेक्ट को चूज़ करने का। दूसरा रीज़न ये है कि इसके सामने जहाँ से मैं पेंट करूँगा, सामने आप देख सकते हैं ये बैम्बू ट्री है बहुत सारा, और इसका जो शैडो है जहाँ से मैं पेंट करूँगा वहाँ पर आ रहा है, तो धूप से भी मैं बच जाऊँगा और काफ़ी कम्फर्टेबली मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर। आर्टिस्ट का कम्फर्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप प्लेन एयर पेंटिंग पर जा रहे हो। तो अब जल्दी से सारा सेटअप लगाते हैं और पेंटिंग स्टार्ट करते हैं।
मैंने आपको पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ये लोकेशन दिखाया था, और अभी मैं पेंटिंग ख़त्म करने के बाद लोकेशन पहले आपको दिखाता हूँ, और आप ये ऑब्जर्व करिए कि स्टार्ट करने के टाइम में और ख़त्म करने के वक्त में कितना सारा चेंजेस आ गया है हमारे सब्जेक्ट में। सो लाइट एंड शेड चेंज हुए, फिर क्लाउड्स चेंज हुआ, स्काई चेंज, बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो जब आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम में आपका सब्जेक्ट कैसा है वो आपको मेमोराइज़ करना पड़ता है, क्योंकि पेंटिंग ख़त्म होने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है, और इतने टाइम तक बहुत सारा लाइट एंड से बहुत सारा चेंजेस हो जाते हैं सब्जेक्ट में जब आप प्लेन एयर कर रहे हो। तो इसी कारण से जो हमारा प्लेन एयर पेंटिंग है वो हमारे मेमोरी ड्राइंग को भी इम्प्रूव करता है। दैट्स वाई प्लेन एयर पेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी शो यू द लोकेशन एज वेल एज द आउटकम। सो दिस इज़ हाउ द लोकेशन और द सब्जेक्ट इज़ लुकिंग आफ्टर फिनिशिंग माई पेंटिंग, एंड यू कैन सी द चेंजेस, सो मेनी थिंग्स चेंज, and this is the outcome. I hope आपको ये पसंद आया हो पेंटिंग। सो फाइनली आज का काम हो गया, और काम तो मैं पेड़ के छांव में कर रहा था, लेकिन अभी घर जाते जाते काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप, फिर मुझे हैट लगाना पड़ा। सो आई होप आपको आज की पेंटिंग पसंद आई हो, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।